सब्सक्राइब को लियानी ऑनलाइन क्लासेस चैनल फॉर ऑल एग्जाम। नमस्कार साथियों, मैं लोहांश कुमार कल्याणी, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और ये स्पेशल एजुकेशन विशिष्ट शिक्षा सीरीज के अंतर्गत सेकंड वीडियो है। इस वीडियो में भी हम 40 क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। उम्मीद है जो फर्स्ट पार्ट था इसका आपको समझ में आया होगा, और अब तक मैं देख रहा हूँ किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत शायद नहीं है। अगर कोई दिक्कत है तो आप अपना कमेंट्स जो है नीचे दे सकते हैं, अगर किसी क्वेश्चन पर आपको डाउट है। मैंने प्रयास किया कि कोई भी गलती जो है न हो, उसके बावजूद भी अगर कोई गलती होती है तो आप बताइएगा, उसमें कोशिश करेंगे कि उस गलती को सुधारा जा सके। दोस्तों, स्पेशल एजुकेशन के हमारे ये सेकेंड वीडियो है, और इस सेकेंड वीडियो के बाद हम 4 या 5 वीडियो और इसमें स्पेशल एजुकेशन पर करेंगे, और उसके बाद हम करेंगे एक वो वीडियो स्पेशल एजुकेशन का जिसमें सारे जो क्वेश्चंस पिछले 10 साल में अभी तक आए हैं उस वीडियो को हम देखेंगे। 10 साल में स्पेशल एजुकेशन का स्पेशल ही एक वीडियो रहेगा जिसमें पिछले 10 ईयर्स का जो है जितने क्वेश्चन भी हैं वो आपको मिलेंगे, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए किस प्रकार के क्वेश्चन जो है परीक्षा में आते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का एग्ज़ाम हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन के द्वारा। तो आइए दोस्तों, बिना कोई देर किए हम अपना शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। शुरू करते हैं अपने वीडियो को और बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। जो हमारा पहला प्रश्न है, बहु विकलांगता में सम्मिलित होते हैं, मल्टीपल डिसेबिलिटी इंक्लूड्स मंद बुद्धि प्लस दृष्टि अक्षमता MR प्लस BI, श्रवण अक्षमता प्लस दृष्टि अक्षमता HI प्लस VI, मंद बुद्धि प्लस गामक विकलांगता MR प्लस LI, उपयुक्त सभी। दोस्तों, जो बहु विकलांगता का कॉन्सेप्ट है उसमें सम्मिलित हम सभी लोगों को करते हैं, चाहे वो मेंटल रिटायर्ड हो, विजुअली इम्पेयर्ड हो, हियरिंग इम्पेयर्ड हो या विजुअली इम्पेयर्ड हो। ये जो सभी हैं गामक विकलांगता, ये सभी को जो है मल्टीपल डिसेबिलिटी के अंतर्गत इंक्लूड किया जाता है। तो उसका जो उत्तर है वो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मानसिक विकलांगता बच्चों में अति गंभीर मानसिक विकलांगों की संख्या है। द नंबर ऑफ प्रोफाउंड MR मेंटल रिटार्डेशन चिल्ड्रन इज एमंग मेंटल रिटायर्ड चिल्ड्रन बहुत अधिक है, पूरे का 1/3 है, बहुत कम है, या पूरे का 1/3 है, 1/3 मतलब एवरी थर्ड, मतलब जो बच्चा है वो जो है इस बीमारी से ग्रसित है। तो दोस्तों, मानसिक विकलांग बच्चों में जो अति गंभीर समस्या है मानसिक विकलांगों की, वो बहुत कम है, मतलब बहुत इसका जो रेशियो है बहुत नॉमिनल है, और इसलिए इसका आंसर जो है सी है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। मानसिक मंदित बालकों की शिक्षा में क्रमबद्ध प्रशिक्षण सबसे पहले किसने प्रारंभ किया? द फर्स्ट पर्सन हु इनिशिएटेड सिस्टमैटिक ट्रेनिंग फॉर एजुकेशन ऑफ मेंटल रिटायर्ड चिल्ड्रन वॉज जीन इचार्ड, इसका फर्स्ट ऑप्शन है। जीन क्लाइड वेंडेन इसका सेकेंड ऑप्शन है। जीन बैप्टिस्ट लेमार्क इसका थर्ड ऑप्शन है, और जीन पियाजे इसका फोर्थ ऑप्शन है। तो दोस्तों, जो मानसिक मंदित बालक होते हैं उसकी शिक्षा में जो क्रमबद्ध प्रशिक्षण की अगर बात करते हैं, तो क्रमबद्ध प्रशिक्षण जो सबसे पहले शुरू किया था वो किया था जीन बैप्टिस्ट लेमार्क ने। जो जीन बैप्टिस्ट लेमार्क हैं वही जो है इसके एक वैज्ञानिक रहे हैं जिन्होंने मंदबुद्धि बालकों के जो है एक क्रमबद्ध प्रशिक्षण को शुरू किया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्नेलेन चार्ट का प्रयोग होता है, स्नेलेन चार्ट इज यूज्ड फॉर भौगोलिक वितरण दर्शाने में, मैपिंग ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मंदबुद्धि बालकों की IQ दर्शाने में, मैपिंग IQ ऑफ MR चिल्ड्रन मेंटल रिटायर्ड, या दृष्टि तीक्ष्णता को दर्शाने में, मैपिंग विजुअल एक्यूटी, और श्रवण तीक्ष्णता को दर्शाने में, मैपिंग ऑडिटरी एक्यूटी। दोस्तों, जो सही उत्तर है, जो स्नेलेन चार्ट है उसका जो प्रयोग होता है वो दृष्टि तीक्ष्णता को दर्शाने में इसका यूज़ होता है, जो मैपिंग विजुअल एक्यूटी जो आप चार्ट बनता है इसमें
वो दृष्टि किस प्रकार की है, क्या दृष्टि है, इसको सब दर्शाने के लिए इस चार्ट का हम यूज़ करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। ट्यूनिंग फॉर्क परीक्षण है एक, ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट इज बुद्धि परीक्षण, स्क्रीनिंग टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट या परफॉर्मेंस टेस्ट। दोस्तों इसके चार ही ऑप्शन हैं और इसका जो सही ऑप्शन है वो है स्क्रीनिंग टेस्ट। जो ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट परीक्षण है या टेस्ट है वो स्क्रीनिंग टेस्ट कहलाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। NIRTAR स्थित है, ध्यान रखिएगा NIRTAR इसका जो फुल फॉर्म है NIRTAR का, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च। और दोस्तों इसके आगे अब नाम जुड़ गया है स्वामी विवेकानंद का, तो इसका जो पूरा नाम हो गया है SVNIRTAR, स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च। ये स्थित है भोपाल में, कटक में, भुवनेश्वर में और हैदराबाद में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है वह है कटक, जो NIRTAR स्थित है वो कटक में स्थित है। पढ़ते हैं। विशिष्ट विद्यालय एक सटीक उदाहरण है, स्पेशल एजुकेशन इज द मोस्ट सुटेबल एग्जाम्पल फॉर, ऑप्शन है हमारे इंटीग्रेटेड सेटिंग, इंक्लूसिव सेटिंग, मेन स्ट्रीमिंग या फिर सेग्रीगेशन। तो दोस्तों जो इसका उत्तर है सेग्रीगेशन इसका उत्तर है ऑप्शन डी, जो विशिष्ट विद्यालय है वो सेग्रीगेशन के जो है बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ जाते हैं। ICIDH का अर्थ है इंटर क्लासिफाइड इंटेलिजेंस ऑफ डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप, इंट्रा क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो ICIDH का अर्थ है वो है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप। हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। ADD है एक गणितीय प्रक्रिया। देखिए दोस्तों इसके ऑप्शन देखने से पहले इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। ADD का मतलब है अटेंशन डिफेक्ट डिसऑर्डर। जो अटेंशन डिफेक्ट डिसऑर्डर है वो क्या है? ऑप्शन पहला है इसमें एक गणितीय प्रक्रिया, सांख्यिकीय विश्लेषण प्रक्रिया, अटेंशन डिफेक्ट डिसऑर्डर या फिर एटीट्यूड डिस्टॉर्शन एंड डिस्ट्रक्शन। तो ADD की फुल फॉर्म मैं आपको बता ही चुका हूँ, इसका जो उत्तर है वो सी सही है आपका, अटेंशन डेफिशिएट डिसऑर्डर इसका फुल फॉर्म है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संपूर्ण संप्रेषण का अर्थ है टोटल कम्युनिकेशन मीन्स मौखिक संप्रेषण, ओरल कम्युनिकेशन, श्रवण मौखिक संप्रेषण, ओरल कम्युनिकेशन, शारीरिक संप्रेषण, मैनुअल कम्युनिकेशन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वो श्रवण एवं मौखिक जो कम्युनिकेशन है वो संपूर्ण कम्युनिकेशन है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। श्रवण बाधितों हेतु आंतरिक के सहयोग प्रक्रिया का सही उदाहरण है, द राइट एग्जाम्पल ऑफ यूनाइटेड सिस्टम ऑफ HI चिल्ड्रन इज गेस्चर टच टॉकर एंड एवं वाणी, मतलब जेस्चर टच टॉकर और स्पीच, टच टॉकर हेडलाइट पॉइंटर एवं कंप्यूटर, टच टॉकर हेडलाइट पॉइंटर एंड कंप्यूटर और जेस्चर वाणी एवं फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर स्पीच एंड फेशियल एक्सप्रेशन, दैट्स अ थर्ड ऑप्शन। और जो सही उत्तर इसका यही है थर्ड ऑप्शन, जो श्रवण बाधितों के हेतु आंतरिकीय सहयोग प्रक्रिया का जो सही उदाहरण है जेस्चर फिर स्पीच एंड आफ्टर दैट फेशियल इंप्रेशन, ये सही क्रम भी है और ये सही इसका उदाहरण भी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
दोषपूर्ण श्रवण की पहचान की जा सकती है। हियरिंग इम्पेयरमेंट कैन बी आइडेंटिफाई बाय भाषिक दक्षता की कमी, लैक ऑफ लिंग्विस्टिक स्किल, चलनता की कमी, लैक ऑफ मोबिलिटी, संप्रेषण में व्यवधान, डिफिकल्टी इन कम्युनिकेशन, ए और बी दोनों। तो दोस्तों जो सही उत्तर है उसका डी है, ए और बी दोनों, भाषिक दक्षता की कमी, लैक ऑफ लिंग्विस्टिक स्किल एंड आफ्टर दैट चलनता की कमी, लैक ऑफ मोबिलिटी। तो ये दोषपूर्ण श्रवण की पहचान है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सी ए डी का तात्पर्य है, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है, सी ए डी मुझसे मतलब क्या तात्पर्य है। संप्रेषण सहायता विद्या, कम्युनिकेशन एड डिवाइस या कंप्यूटर आधारित विद्या, कंप्यूटर असिस्टेड डिवाइस, जांच सहायता विद्या, चेक एड डिवाइस या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो सही उत्तर है इसका वो है बी, कंप्यूटर आधारित विद्या, कंप्यूटर असिस्टेड डिवाइस, दैट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स गो टू न्यू क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसी एक में ऐच्छिक गत्यात्मक नियंत्रण के ह्रास द्वारा अभिलक्षित होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टराइज बाय अ लॉस ऑफ वॉलंटरली मोटर कंट्रोल। इसके जो दोस्तों ऑप्शंस हैं हमारे पास, हीमिप्लेजिया, एथेटोसिस, और अगला ऑप्शन है स्पेस्टिसिटी, और डी ऑप्शन है इसका स्पाइना वाइफिडा। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर होगा वो उत्तर होगा इसका सी, स्पेस्टिसिटी, ये इसका राइट आंसर है। ये एक ऐच्छिक गत्यात्मक नियंत्रण के ह्रास द्वारा विलक्षित होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विशिष्ट शिक्षा के आधुनिक काल का प्रारंभ डार्विनिज्म से हुआ। द मॉडर्न स्पेशल एजुकेशन एमिनेटेड फ्रॉम डार्विनिज्म। ऑप्शंस हैं हमारे स्वाभाविक, इंस्टिंक्टिव, सामाजिक सोशल, भावनात्मक इमोशनल एंड शैक्षिक एजुकेशनल। तो दोस्तों उसका सही उत्तर है वो है शैक्षिक। तो इसमें कह सकते हैं मॉडर्न स्पेशल एजुकेशन इमिनेटेड फ्रॉम द एजुकेशनल डार्विनिज्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूक पाठन के लिए प्रस्तावित किया जाता है, साइलेंट रीडिंग इज सजेस्टेड फॉर, दृष्टिबाधितों के लिए, विजुअली इम्पेयर्ड। हमारा जो बी इसका है ए डी डी, अटेंशन डिफेक्ट डिसऑर्डर, एल डी और ए डी एच डी। ये हो गया आपका ए डी एच डी की अगर बात करें तो अटेंशन डिफेक्ट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर ये कहलाएगा। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर होगा वो डी है, जो मूक पाठन है उसके लिए ए डी एच डी के लिए प्रस्तावित इसको किया जा सकता है। ए डी एच डी मीन्स अटेंशन डिफेक्ट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, तो मूक पाठन के लिए इसको ही प्रस्तावित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्गीकरण की कौन सी युक्ति प्रत्येक व्यक्ति को उनकी निषाक्तता के अनुसार वर्गीकृत करने में सहायता देती है, सहायता होती है। विच अप्रोच ऑफ क्लासिफिकेशन हेल्प्स इन क्लासिफाइंग इंडिविजुअल्स अकॉर्डिंग टू देयर डिसेबिलिटी। कैटेगरिकल फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन है नॉन कैटेगरिकल, एंड थर्ड ऑप्शन है ए और बी दोनों, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वो है कैटेगरिकल, फर्स्ट ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। तो वर्गीकरण की जो कैटेगरिकल युक्ति है ये व्यक्ति और उनकी निषाक्तता के अनुसार वर्गीकृत करने में सहायता करती है। अगला प्रश्न देखते हैं। डीपीईपी के अंतर्गत भारत द्वारा संपूर्ण परियोजना में कितने प्रतिशत की भागीदारी होती है। What percentage of the total project is shared by government of India under DPEP? दोस्तों सबसे पहले DPEP की फुल फॉर्म देख लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, ये है जो DPEP है, और इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो 85% जो भागीदारी होती है वो गवर्नमेंट की होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, और 15% जो भागीदारी इसमें है वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट की है। तो 85:15 का इसमें रहता है, 15% जो 15% है वो स्टेट गवर्नमेंट का है, और 85% इसमें जो है जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं, केवल ध्यान रखिएगा। और जो डीपीईपी है
इसमें जो इतना शेयर इस समय है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन द्वारा कितने अनुकूलात्मक कौशल क्षेत्रों को स्वीकार किया जाता है? हाउ मैनी एडेप्टिव स्किल्स एरियाज आर कंसिडर्ड बाय द अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन? 9 फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन इज 10, थर्ड ऑप्शन इज 11 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 12। तो जो सही राइट आंसर है इसका, सही उत्तर है वो है 10, बी ऑप्शन हमारा ठीक है। 10 जो है कौशल क्षेत्रों को स्वीकार किया जाता है अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन के द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानसिक मंदता अपूर्ण मानसिक विकास की अवस्था है, यह परिभाषा दी है। मेंटल डिफिशियंसी इज अ स्टेट ऑफ इनकम्प्लीट मेंटल डेवलपमेंट इज डिफाइंड बाय ब्रिटिश मेंटल हेल्थ अधिनियम, ब्रिटिश मेंटल हेल्थ एक्ट के द्वारा, ट्रेगोल्ड के द्वारा, सिंगुइन के द्वारा और मूर के द्वारा। दोस्तों ये सी ऑप्शन है हमारा, ध्यान रखिएगा जो मैं गलत टाइप हो गया है इसको आप सही पढ़िएगा। जो इसका उत्तर जो सही है वो है ट्रेगोल्ड के द्वारा, ट्रेड गोल्ड के द्वारा जो है ये परिभाषा दी गई है, जो मानसिक मंदता अपूर्ण मानसिक विकास की अवस्था है। ये मनोवैज्ञानिक रहे हैं और ट्रेगोल्ड ने ये परिभाषा दी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। माइल्ड मानसिक मंदता की सीमा है, माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन रेंज बिटवीन 69 to 81 फर्स्ट ऑप्शन, द सेकंड ऑप्शन इज 35 to 49 एंड द थर्ड ऑप्शन इज 50 to 69 एंड फोर्थ ऑप्शन 20 to 34। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी 50 to 69। ये जो रेंज है मेंटल, जो माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन की जो रेंज है आईक्यू की, ये 50 to 69 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईईजी है, ईईजी इज, इसके ऑप्शंस हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक ग्रेविटी, सेकंड ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक एनसी फ्लोग्राम, थर्ड ऑप्शन है इलेक्ट्रो इंसीफेलोग्राफी और फोर्थ ऑप्शन है हमारा एलिमेंट्री एजुकेशन एट ग्राउंड लेवल। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर है ईईजी का वो है हमारा ऑप्शन सी इलेक्ट्रो इंसीफेलोग्राफी, ये इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एमएचए है, एमएचए इज मिलिट्री हॉस्पिटल अहमदाबाद, मिलिट्री हॉस्पिटल अहमदाबाद फर्स्ट ऑप्शन है, न्यूनतम स्वास्थ्य अधिनियम मिनिमम हेल्थ एक्ट दैट इज सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन है हमारा अधिकतम स्वास्थ्य विकार मैक्सिमम हेल्थ अब्यूज, और जो थर्ड ऑप्शन है वो है मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम मेंटल हेल्थ एक्ट। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो यही है, एमएचए की फुल फॉर्म है या है ये मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम मेंटल हेल्थ एक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय पुनर्वास परिषद में कार्यकारी शक्ति निहित है, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ आरसीआई इज इन द हैंड ऑफ चेयरमैन के, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन मंत्री मिनिस्टर, थर्ड ऑप्शन अंडर सचिव अंडर सेक्रेटरी, फोर्थ ऑप्शन हमारा सदस्य सचिव मेंबर सेक्रेटरी। दोस्तों जो भारतीय पुनर्वास परिषद में कार्यकारी शक्तियाँ निहित हैं वो चेयरमैन में निहित हैं, जो द एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं आरसीआई की वो चेयरमैन के हाथ में होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय न्यास अधिनियम पारित हुआ, नेशनल ट्रस्ट एक्ट वॉज इनेक्टेड इन 1998 फर्स्ट ऑप्शन, द सेकेंड ऑप्शन इज 1999, थर्ड ऑप्शन इज 1992 एंड डी ऑप्शन हमारा 1995। तो दोस्तों जो सही उत्तर है इसका वह है 1999 में राष्ट्रीय न्यास अधिनियम जो पारित हुआ है, नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निःशक्त जनों हेतु मूल्यांकन के प्रकार हैं, इवेल्यूएशन ऑफ पीडब्ल्यूडीज आर ऑफ, फर्स्ट ऑप्शन 2, बी ऑप्शन हमारा 4, सी ऑप्शन है हमारा 8 और डी ऑप्शन हमारा 6। तो दोस्तों जो निःशक्त जन हैं पीडब्ल्यूडीज हैं उनके लिए जो मूल्यांकन के प्रकार हैं वो हमारे 2 प्रकार हैं,
ऑप्शन इसका ए जो है वो ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोलंबिया मेंटल मैच्योरिटी स्केल CMMS है, कोलंबिया मेंटल मैच्योरिटी स्केल्स इज बुद्धि मापन इंटेलिजेंस स्केल, सेकंड ऑप्शन है बुद्धि उपलब्धि परीक्षण इंटेलिजेंस स्केल, इसका दूसरा ये इंग्लिश में दोस्तों गलत हो गया है, जो थर्ड ऑप्शन है अभिप्रेरण परीक्षण मोटिवेशन टेस्ट, और फोर्थ ऑप्शन हमारा है एप्टीट्यूड मापन एप्टीट्यूड स्केल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है जो कोलंबिया मेंटल मैच्योरिटी स्केल है वो बुद्धि मापन का एक स्केल है, इसके द्वारा जो बुद्धि परीक्षण है वो किया जाता है, बुद्धि को मापा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, FACP का विकास किया गया, FACP इज डेवलप्ड फॉर, दोस्तों जो FACP है इसको देख लेते हैं, फुल फॉर्म है इसकी फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट फॉर प्रोग्रामिंग, ध्यान रखिएगा फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट फॉर प्रोग्रामिंग, इसका विकास किया गया था ऑटिज्म वाले बालकों के लिए चिल्ड्रन विद ऑटिज्म, मानसिक मंदता बालकों के लिए चिल्ड्रन विद मेंटल रिटार्डेशन, थर्ड ऑप्शन है हमारा मानसिक पक्षाघात वाले बालकों के लिए चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी, अधिगम अक्षम बालकों के लिए चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी। तो दोस्तों जो FACP है फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट फॉर प्रोग्रामिंग है, इसका जो विकास किया गया था ये किया गया था मानसिक मंदित बालकों के लिए, जो चिल्ड्रन विद मेंटल रिटार्डेशन थे उनके लिए इसका जो है विकास किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विशेष शैक्षिक आवश्यकता सुलभता एवं समता नामक विशेष विश्व सम्मेलन 1994 में कहाँ आयोजित किया गया। इन 1994 द वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस एंटाइटल्ड स्पेशल नीड्स एजुकेशन एक्सेस एंड क्वालिटी वॉज ऑर्गेनाइज एट सलामांका फर्स्ट ऑप्शन है, डाकर सेकेंड ऑप्शन है, स्नेगल थर्ड ऑप्शन है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वो उत्तर है सलामांका। सलामांका में जो है इस विश्व सम्मेलन को जो है जो सुलभता एवं समानता जो विशेष शैक्षिक आवश्यकता सुलभता एवं समानता का जो नाम से जो विश्व सम्मेलन किया गया था वो सलामांका में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, AAMD का संगठन किस वर्ष हुआ। इन विच ईयर अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डिफिशियंसी AAMD वॉज फॉर्म्ड। दोस्तों जो अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डिफिशियंसी है इसकी जो ये एस्टेब्लिशमेंट हुआ, ये किस वर्ष का संगठन हुआ, इसके ऑप्शंस हमारे चार दिए हैं। पहला ऑप्शन 1947, सेकंड ऑप्शन 1948, थर्ड ऑप्शन है हमारा 1949 एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा 1950। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है 1950 में जो है AAMD का संगठन हुआ और ये बना जो मेंटल डिफिशियंसी है अमेरिकन एसोसिएशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय सरकार की योजना जिसमें विकलांग बच्चों को सामान्य विद्यालयों में पढ़ने का अवसर दिया है कहलाती है गिविंग अपॉर्चुनिटी फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन टू लर्नर इन नॉर्मल स्कूल स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड IECD, PWD, OB स्कीम या फिर SSA। दोस्तों जो सही उत्तर है वो है IECD, जो स्कीम है गवर्नमेंट की, इसने जो है जो विकलांग बच्चे हैं उनको मौका दिया है कि वो जो है पढ़ सकें सामान्य बच्चों के साथ स्कूलों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डाकर सम्मेलन आयोजन किस वर्ष किया गया था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डाकर कॉन्फ्रेंस वॉज ऑर्गेनाइज्ड, फर्स्ट ऑप्शन है 2000 में, सेकंड ऑप्शन है 2001 में, थर्ड ऑप्शन है हमारा 2002 में, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 2009 में। तो दोस्तों जो सही उत्तर है, जो डाकर सम्मेलन हुआ था वो सन 2000 में हुआ था,
ये डिसेबल्ड चिल्ड्रन के लिए एक सम्मेलन था जो डाकर जगह में बुलाया गया था, इसलिए इसको डाकर सम्मेलन बोलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। AAMR द्वारा किस निःशक्तता को वर्गीकृत किया गया है? विच डिसेबिलिटी हैज़ बीन क्लासिफाइड बाय AAMR? दोस्तों जो AAMR है इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑन मेंटल रिटार्डेशन। तो इसके जो ऑप्शंस हमारे हैं, फर्स्ट ऑप्शन है मानसिक मंदता, मेंटली रिटायर्ड, बी ऑप्शन आपका दृष्टिबाधिता विजुअल इम्पेयर्ड, सी ऑप्शन हमारा श्रवणबाधिता हियरिंग इम्पेयर्ड, और डी ऑप्शन है अधिगम अक्षमता लर्निंग डिफिशेंसी कह सकते हैं इसको। तो इसका जो सही उत्तर है वो है हमारा ऑप्शन ए मानसिक मंदता। AAMR को जो है मानसिक मंदता के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी निशाकता में अनुकूलन कौशल क्षेत्रों में आकलन की आवश्यकता होती है? विच डिसेबिलिटी रिक्वायर्स असेसमेंट ऑफ एडेप्टिव स्किल एरियाज? ऑप्शन है हमारे श्रवणबाधिता, दूसरा ऑप्शन हमारा दृष्टिबाधिता, ऑप्शन है मानसिक मंदता, और डी ऑप्शन है हमारा अधिगम अक्षमता। तो दोस्तों जो सही उत्तर है इस क्वेश्चन का वो है मानसिक मंदता। ये मानसिक मंदता जो है निशाक्त में अनुकूलन कौशल क्षेत्रों के आकलन की आवश्यकता होती है, मतलब जो मेंटल रिटायर्ड बच्चे होते हैं उसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी कार्य पर ध्यान बनाए रखने तथा एकाग्रचित रहने की योग्यता में कमी कहलाती है। लैक ऑफ एबिलिटी टू कंसंट्रेट एंड मेंटेन अटेंशन टू अ टास्क इज टर्न्ड एज ADD, फर्स्ट ऑप्शन, एंड सेकंड ऑप्शन ADDH, थर्ड ऑप्शन दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वो है हमारा ए ऑप्शन, हमारा ADD, अटेंशन डिफेक्ट डिसऑर्डर, ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मानसिक आयु की धारणा किसने शुरू की? हु डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज? साइमन तथा बिने, सेकंड ऑप्शन हमारा स्टर्न, थर्ड ऑप्शन हमारा गिलफोर्ड, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो मानसिक आयु की धारणा है, जो मेंटल एज का कॉन्सेप्ट है, वो दिया गया है साइमन एवं बिने के द्वारा, ए ऑप्शन इसमें ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाइपोक्सिया का अर्थ है, हाइपोक्सिया मींस CO की कमी, लेक ऑफ CO, ऑक्सीजन की कमी, लेक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अधिकता, एबंडेंस ऑफ ऑक्सीजन, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो हाइपोक्सिया है, हाइपोक्सिया कहते हैं ऑक्सीजन की कमी का हो जाना, जब ऑक्सीजन कम हो जाती है उसकी वजह से जो परेशानी उत्पन्न हो जाती है उसको हाइपोक्सिया बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामान्यकरण का दर्शन किन देशों में शुरू हुआ? इन विच कंट्री द फिलॉसफी ऑफ नॉर्मलाइजेशन ओरिजिनेटेड? दोस्तों इसके ऑप्शंस हैं स्केडे ने, वियना कंट्रीज, डी ऑप्शन है एशियन कंट्रीज, हमारा सी ऑप्शन है यूरोपियन कंट्रीज, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो फिलॉसफी ऑफ नॉर्मलाइजेशन ओरिजिनेटेड, जो सामान्यकरण का दर्शन है, वो शुरू हुआ था आपका स्केडेन वियना कंट्रीज जो हैं उसमें, जो है इसकी शुरुआत की गई वियना कंट्रीज के अंतर्गत। इन देशों में ये दर्शन जो है नॉर्मल, जो फिलॉसफी ऑफ नॉर्मलाइजेशन जो है ये स्टार्ट किया गया था वियना कंट्रीज में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चा जिसकी बुद्धि लब्धि 45 है, 45 है, वह मानसिक विकलांगता की किस श्रेणी में आता है? What is the degree of mental retardation of a child having an IQ of 45? Options हमारे हैं A, जो ऑप्शन है वो है माइल्ड कम, B ऑप्शन है हमारा मध्यम, moderate, C ऑप्शन है हमारा तीव्र, सीवियर,
और जो हमारा डी ऑप्शन है वो है अति तीव्र प्रोफाउंड। तो दोस्तों जो जिस बच्चे की IQ 45 है उसको मॉडरेट श्रेणी में रखते हैं, इसका ऑप्शन जो है बी सी है सही है। तो बच्चा जो मानसिक विकलांगता एक मॉडरेट श्रेणी की जो मध्यम मानसिक विकलांगता इस श्रेणी में बच्चा आएगा जिसकी IQ जो है 45 है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अस्थि विकलांगता चिन्हित की जा सकती है, ये चिन्हित है, चिन्हित की जा सकती है। द ऑर्थोपेडिकल डिसेबिलिटी कैन बी आइडेंटिफाई ओनली बाय, ऑप्शंस हैं हमारे चिकित्सा के द्वारा, चिकित्सक के द्वारा, डॉक्टर्स मतलब डॉक्टर्स के द्वारा, माता पिता के द्वारा, पेरेंट्स या सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा, सोशल वर्कर्स के द्वारा या उपयुक्त सभी के द्वारा। तो दोस्तों जो ऑर्थोपेडिकल डिसेबिलिटी है वो आइडेंटिफाई की जा सकती है उपयुक्त में सभी के द्वारा, चाहे वो डॉक्टर हो, पेरेंट्स हो या सोशल वर्कर हो, कोई भी जो है इस प्रकार की जो विकलांगता होती है इसको जो है चिन्हित कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न, मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे और आपके समझ में भी आएंगे। अगर किसी प्रश्न को लेकर आपको शंका है तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट्स दे सकते हैं। मैंने पूरा प्रयास किया है कि किसी भी प्रश्न का उत्तर गलत ना हो, अगर भूलवश कोई उत्तर गलत है तो आप जो है उसको देखें, वैसा ऐसा होगा नहीं कि कोई उत्तर इसमें गलत है, लेकिन फिर भी आप के निगाह में अगर कहीं आपने कुछ पढ़ा है, अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो आप ज़रूर एक बार कमेंट्स करें और उसका जो है क्लैरिफिकेशन दिया जाएगा कि वो सही है या नहीं सही है। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं इसके बारे में जो तैयारी कर रहे हैं UGC नेट की या फिर उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन या BEd की। दोस्तों कल मिलते हैं अगले इसके पार्ट 3 में, तब तक के लिए नमस्कार।